नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फार्मेसी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पहाड़ी फार्मेसी के अंतर्गत डाय और पंज के बारे में, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में डाय और पंज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरव्यू पर्पज से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं और इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि डाय पंच के बारे में। देखो, टूलिंग क्या होती है, वहाँ पर टूलिंग लिखा हुआ, टूलिंग किसे बोला जाता है? टूलिंग बोला जाता है डाय और पंच। डाय और पंच देखो, फार्मा इंडस्ट्री में या जो लोग अभी फ्रेशर हैं या जो लोग बी फार्मा कर रहे हैं फार्मा फील्ड में, उनको भी पता है कि एक अपर पंच होता है, अपर पंच, एक लोअर पंच होता है और एक डाई होती है। इन तीनों से जो है मिलकर बनता है टूल। इन्हीं तीनों के कम्बिनेशन को टूल कहा जाता है। और टूलिंग जो होती है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर चार प्रकार की होती है। टाइप ऑफ टूलिंग के बारे में पढ़ेंगे तो चार प्रकार की होती है। तो टाइप में जैसे बी, बी बी, डी और डी, ये टूलिंग होती है। और इनका क्या होता है, इनका जो है अलग अलग, हर किसी का पंच का डायामीटर, डाया का डायामीटर, पंच की लेंथ और मैक्सिमम साइज की जो है टैबलेट कितना बन सकता है राउंड शेप और कैप्सूल शेप में, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सबसे पहले हम बी टूलिंग की बात करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में बी टूलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत सारी कंपनी में जो है बी टूलिंग चलती है। उसमें क्या करते हैं, पंच का जो डायमीटर है वहाँ पे वो 19.00 mm है, 19.00 mm ये स्टैंडर्ड जो है होता है। और पंच का डायमीटर बोले तो पंच का डायमीटर देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक पंच बनाया है, ठीक है। इस पंच का जो ये बैरल है, ये बैरल देख रहे होंगे आप लोग, ये बैरल, इसी का डायमीटर जो होता है वही कहलाता है आपका पंच का डायमीटर। पंच का डायमीटर यदि ये मान लीजिए बी टूलिंग का है तो 19.00 mm है। इसको इंच में निकालने के लिए क्या करोगे, आपको वन इंच इक्वल टू कितना होता है, 25.40 mm। तो यदि इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो mm में तो 25.40 mm, और इसी 25.40 mm से यदि आप भागा कर दोगे तो वो आपका इंच में निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इंच में निकालना। इसी तरह से डाई का डायमीटर आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, 30.15, कहीं कहीं पे बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे आपको इंटरनेट में उसको 30.16 mm भी दे रखा है, तो कोई वो नहीं है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तो आप जो है स्टैंडर्ड मान के चलो 15 या 16 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से जो है पंच का जो लेंथ है वो 133.60 mm है, ठीक है। और इसमें जो है मैक्सिमम देखोगे हमने लिखा हुआ है, मैक्सिमम ये थोड़ा मिट गया है, 16 mm का जो है राउंड शेप में 16 mm का मैक्सिमम आप टैबलेट बना सकते हो, और कैप्सूल शेप में 19 mm का मैक्सिमम 19 mm का जो है बना सकते हो। इसी तरह से बीबी टूलिंग है, बीबी टूलिंग और बी टूलिंग का सेम डायमीटर होता है, 19 ही इसका जो है mm डायमीटर होता है। देखो ये सबसे छोटा जो है इसका डाय का डायमीटर होता है, सबसे छोटा डाय का डायमीटर जो है वो बीबी टूलिंग का ही है, 24.0 mm, और जिसको कन्वर्ट किया गया इंच में 0.97 mm। तो इसकी भी क्योंकि पंच की तो लेंथ एक ही है सब, 133.60 mm, तो क्या है कि वन जो आपका 133.60 mm प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस 0.10 mm, मतलब ये हाइट का रहता है कि
प्लस माइनस 0.1 mm, मतलब प्लस में भी 0.10 mm हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो इतना जो है वेरिएशन चलता है। इसको टॉलरेंसी बोलते हैं, पंचीय टॉलरेंसी। यदि कोई पूछा लेंथ में टॉलरेंस कहीं पे जो है, बहुत सारे अब अपनी अपनी कंपनी के अलग अलग सोपी होती हैं, आपको पता ही होगा जो फार्म इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि SOP क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि क्या होता है किस हम क्या करते हैं किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से उसको लेते हैं और उसको जो है हम एक प्रोसीजर के फॉर्म में लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं, और वही जो है उसी रिटर्न के आधार पर आपको सब कुछ करना पड़ता है, उसी को फॉलो करना पड़ता है फार्मा इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये कहता है कि भाई आपको 0.08 चाहिए, 0.05। तो जो स्पेसिफिकेशन आपका कंपनी देगी और कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उसी के आधार पे जो है जो भी आपका उसको बनाएगा मैन्युफैक्चर होगा उसी के आधार पे उनका पूरा जो है इंस्पेक्शन किया जाता है। तो इसमें मैक्सिमम साइज का जो पंच होता है वो राउंड शेप में जो है टैबलेट 13 mm का बनेगा, जबकि कैप्सूल शेप में 14 mm की मैक्सिमम साइज की टैबलेट बन सकती है। मैक्सिमम लेंथ की बात कर रहे हैं हम, लेंथ विड्थ नहीं, लेंथ 14 mm का, और 13 mm का जो है उसका जो है यदि कैप्सूल शेप में, तो आपको पता है कैप्सूल शेप में ऐसे जो कैप्सूल शेप होता है वो इस टाइप का होता है, पूरा देखा होगा आपने कैप्सूल शेप जो टैबलेट होती है, तो इसकी जो पूरी लेंथ होगी वो कितना मैक्सिमम 14 mm का ही बना सकते हैं। और राउंड शेप यदि गोल शेप में है तो आप उसका जब डायमीटर चेक करोगे तो उसका डायमीटर मैक्सिमम 13 mm का ही आप जो है क्या बना सकते हो, टैबलेट बना सकते हो। इसी तरह से डी टू जी है, और फार्मा इंडस्ट्री में DBB, ठीक है, डी हो गया और एक BB और B, ये टूलिंग बहुत चलती है। इसका पंच का डायामीटर 25.40। देखो आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि बी और बीबी का सेम डायामीटर होता है, पंच का डायामीटर एक जैसा होता है, जबकि डी और डीबी में भी पंच का डायामीटर एक जैसा होता है 25.40, जो कि 1 inch के बराबर होता है। ये मैंने बता दिया, यदि डी टूलिंग है तो ये देखिएगा, मान लीजिए डी टूलिंग का मैंने पंच बना रखा है, तो इस पंच का जो बैरल का डायामीटर होता है वो 25.40 mm होता है, जब हम इसको और किससे नापते हैं, इसको बर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर से। और 38.10 mm इसका जो है डाई का डायामीटर होता है, और हाइट तो एक जैसी है, और मैक्सिमम साइज का इसमें जो पंच टैबलेट बनता है वो 25-25 का बनता है। इसी तरह से डीबी टूलिंग है, लेकिन डीबी टूलिंग ज़्यादा यूज नहीं होती फार्मा इंडस्ट्री में, वेटनरी में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, और डीबी टूलिंग बहुत कम यूज़ करते हैं। 25.40 mm जो है इसका भी है, 30.15 mm जो है डाय का डायामीटर होता है, 133.60 और 999, मतलब 1919 जो है mm का जो है इसमें जो होता है वो मैक्सिमम शेप की टैबलेट बन सकती है, राउंड शेप में भी और कैप्सूल शेप में। देखिए क्या हमने एक पंच बनाया है, पंच में देखो सबसे ऊपर इसके पार्ट्स हैं, ये इसके पार्ट्स हैं पंच के जो है पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं उसके, ये सबसे ऊपर उसका हेड हो गया, उसके नीचे उसका नेक है, उसके नीचे आपका तीसरा जो पार्ट है ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट आपका हेड हो गया, दूसरा आपका नेक हो गया, तीसरा आपका बैरल है, तीसरा जो पार्ट है वो बैरल है, चौथा आपका स्टेम मान के स्टेम, ठीक, और पांचवा आप ये जो है आपका पांचवा जो पार्ट है टिप, ये जो कप डेप्थ भी है कोई दिक्कत नहीं, ये भी मान सकते हो, ये भी पांचवा मान सकते हो इसको, पांचवा पार्ट और छठवा पार्ट आपका टिप, तो ये जो है आपका 6 पार्ट हो गए इसके। ये आप एक चीज हमने यहाँ पे लिखी, देखो अगर आपने कैप्सूल शेप में जो भी पंच होते हैं उसमें एक की लगी रहती है जिसका क्वेश्चन आता है फार्मा इंडस्ट्री में,
बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उस की का नाम है वुड रैप की, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और कई बार इंटरव्यू वाला बंदा ये पूछ लेता है कि इसकी स्टैंडर्ड थिकनेस क्या है, तो स्टैंडर्ड जो थिकनेस होती है इसकी आप वर्नियर कैलिपर से करोगे तो 4.70 mm प्लस माइनस 0.10 mm ये इसका स्टैंडर्ड है। ये इसके पीछे की लगी रहती है जिसको खोलने का, यहाँ पे एक की रहती है जिसको आप इजीली जो है ओपन और ओपन करते हो जिससे कि आपका की निकलती है। कई बार की भी खराब हो जाती है तो वहाँ पे उस की को कहते हैं सेकेंडरी स्लॉट की। ये सेकेंडरी की स्लॉट है जिससे आपको की को खोलना या उस की को टाइट करना होता है। अब इसी के आधार पर हमने एक चीज बनाई है, ये देखो जैसे डी टूलिंग का पंच है माना, ठीक है। इस डी टूलिंग के पंच मैंने हेड बताया था, सबसे ऊपर देखा होगा आपने हेड, हेड से लेकर के ये हेड से लेकर के और इसकी नीचे ये टिप, ये आपकी टिप कहलाएगी, नीचे सबसे नीचे टिप है। इस पूरी हाइट को ये देखो, हेड का पार्ट है वन और छठवां पार्ट आपका टिप, ये देखा होगा आपने इधर भी हेड और टिप, यहाँ तक की पूरी लंबाई को कहा जाता है ओवरऑल लेंथ। ओवरऑल लेंथ इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है 133.60 mm जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखी है प्लस माइनस 0.10 mm। और यहाँ पे देखा होगा आपने ये आपकी कप डेप्थ है, कप डेप्थ, कप डेप्थ, तो हेड से और कप डेप्थ की दूरी क्या कहलाती है, वर्किंग लेंथ कहलाती है। मींस ओवरऑल लेंथ में से यदि आप कप डेप्थ को घटा दोगे, ओवरऑल लेंथ पूरी लेंथ में से, देखो ये पूरी लेंथ हमारी हेड से टिप लेके और यहाँ पे कप डेप्थ, यदि हम ओवरऑल लेंथ में से यदि कप डेप्थ घटाएंगे तो वर्किंग लेंथ आ जाए, और यही जो वर्किंग लेंथ होती है वो टैबलेट की शेप और साइज और वेट जिसको हम बोलते हैं, सॉरी टैबलेट की वेट, वेट और थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई आपका कितना वेट है। शेप और साइज का तो टिप का काम है, शेप और साइज, ठीक है, टिप का काम क्या होता है उस टैबलेट का शेप और साइज देना, लेकिन वेट का, ठीक है ना, जो मोस्टली क्या होता है जो आपकी वर्किंग लेंथ होती है वो टैबलेट का वेट और थिकनेस को डिटरमाइन करता है, वेट और थिकनेस को डिटरमाइन करता है कि भाई कितना वेट है कितना थिकनेस है, उस चीज को करेगा, है कि नहीं। तो ये जो है महत्वपूर्ण थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें तो एक तो जब भी इंटरव्यू वाला क्वेश्चन होता है उसमें एक तो टूलिंग क्या होती है, इसका कितने टाइप का होता है, ये भी है क्वेश्चन, बताओ कि बी टूलिंग डी टूलिंग में क्या अंतर है, ये काफी ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बी टूलिंग और डी टूलिंग में क्या अंतर है, कौन कौन से इसके पार्ट है। वुड रैप की, देखो ये की आपको शायद मैं भूल गया, वुड रैप की क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसमें की पूछी जाती है कि जो है पंच जो कैप्सूल से इतना होता है उसमें जो पंच की जो की होती है उसका नाम क्या है, तो कई लोग उसको क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, लेकिन उसका की का नाम भी है वुड रैप की, इस वुड रैप की इसको जो है बोला जाता है। और इसी तरह से ये जो है हमने पंच के बारे में पूरा डिटेल बताया है, इसमें क्वेश्चन इससे ऊपर आ ही नहीं सकता है क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने आपको बताने की कोशिश की और यही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।